मैं हूँ मोहम्मद नूर खान। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्टीमर की, इसे फिशर स्टीमर भी कहते हैं, जिनको खांसी बुखार नज़ला है वो इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, अब हम अंदर से देखते हैं क्या है अंदर। ये है स्टीमर है और डब्बा देखें, इसे हम साइड में रखते थे, ये शॉपर में बंद होता है। अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये पर्पल कलर का है, ये मार्केट में भी मिलते हैं, जो भी है। मुझे पसंद आया ये आया है, देखिए ये अंदर से खुलता है। ये भी नीचे पर्पल कलर का है और ये वाइट बोतल नीचे में दी गई है। ये अंदर एक कैप है, ये अंदर ऐसे रखता है। यहाँ आप आधा पानी डाल सकते हैं, फिर आधा पानी डाल के इसको ऐसे रखते हैं, तो इसको बंद कर देते हैं। ये अभी ज़ीरो पे होते हैं, इसको हम वन पे कर देते हैं, स्टार्ट हो जाता है। और ये जो तार है ये स्विच में लगती है, और ये बोतल भी हम लगा के देखेंगे इसमें। ये कैप जब खुलता है तो ये इसमें लगता है। पोजीशन के हिसाब से आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब हम पानी डालते हैं। पानी इस तरह से डालना है, पानी आज ऐसे चलिए। ये छोटी सी कटोरी है, इसमें आप वेज भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, उसको यहाँ रखते हैं। अब इसको इस तरह फिक्स करना है। स्टीम देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट। अब हम इंतज़ार करते हैं स्टीम भी कैसे निकाल जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्राइस तो मैं आपको बताना भूल गया, ये बाज़ार में 500 to 700 ईजिली मिल जाएगा।